फटाफट देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों, जो ब्लॉग शूट हो रहा है आज हमारे, देखिए छत से शूट हो रहा है क्योंकि हमने कल कपड़े धोए थे और बारिश हो गई थी कल, तो ये हमने अंदर रख दिए थे कि सूख नहीं रखे। तो अभी सुबह सुबह मैं पहले कपड़े सुखाने आया क्योंकि मेरे कपड़े भी थे इसमें, तो हम अपने कपड़े भी सुखाए और अभी चाची और कपड़े भी सुखा रही है। और आज का मौसम भी बड़ा मस्त हो रखा है, धूप नहीं है अभी तक, मतलब अभी 8 बज रहे हैं सुबह के। क्या इधर आजा फाल, अभी 8 बज रहे हैं सुबह के, तो अभी तक कोई धूप नहीं है, पूरे बादल छा रखे हैं। और अभी बूंद बूंद कहीं से उड़ उड़ के भी आ रही थी, यही होंगे शायद, बूंद उड़ा के आ रही थी, पता नहीं कहाँ। ऐसा लग रहा कि फिर से अंदर रखने पड़ेंगे कहीं कपड़े, तो अभी रख रहे हैं हम कपड़े सुखाने रख रहे हैं। और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हमने किया नहीं, अभी ब्रेकफास्ट बन चुका है क्योंकि कम्मू किट्टू भी चले गए स्कूल, उन्हें छोड़ के मैं आ गया हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और कुछ काम वगैरह करते हैं, तो मिलते हैं उसके बाद। और दोस्तों, आप मौसम देख सकते हो, अभी मस्त हो रखा आज से क्योंकि गर्मी से बहुत राहत मिल चुकी है काशीपुर में, मस्त मौसम हो रखा है। यहाँ पे हमारी चाची दे रही है गमलों में पानी, गमलों में फूल लगा रखे हैं, तो देखो आजकल हमारे फूल भी खिल रखे हैं, मस्त हो रखे हैं फूल वगैरह। देखो ये दिख रहे हैं आपको फूल, ये है ये, जब धूप आएगी तो ये खिल जाते हैं, अभी तो बंद हो रखे, जैसे नहीं बंद हो रखे अभी, जैसे जैसे धूप आएगी तो फिर खिल जाएंगे। इधर भी है, ये भी है, और ये येलो वाला भी है, कितने बहुत सारे हैं, येलो पिंक वाइट है। यहाँ पर भी ये देखो एलोवेरा भी लगा रखा है, नागफली का ही पौधा है भाई यहाँ पे। अभी चलते हैं दोस्तों नीचे, देखते हैं इधर क्या हो रहा है। यहाँ पे योगिता पोछा मारने की तैयारी में है अभी, देखिए साफ सफाई हो रही है अभी घर की। और दोस्तों, अभी कपड़े बाहर ही रखे थे क्योंकि फिर बारिश शुरू हो गई, फिर अंदर रखने पड़ रहे। ये हमारे छोटे भाई जी रख रहे हैं हमारे कपड़े अंदर, अब सब तो ले जा। देखो फिर से बारिश शुरू हो गई। और दोस्तों, ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमारा बन गया है, तो अभी मैं बनाता हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह, मतलब सुबह सुबह पीते हैं बस, ब्रेकफास्ट में पीते चाय, तो सुबह ही अच्छा लगता है रोटी के साथ चाय और सब्जी, और तो उस और टाइम में ज़्यादा पीते नहीं हम चाय, सुबह पीते हैं बस। तो बनाते हैं, पहले चाय बनाता हूँ अपने लिए क्योंकि योगिता तो अभी काम कर रही है, मतलब काम कर लिया उसने, नहा धो रही हो, और चाची भी पूजा वगैरह कर रही है, तब तक मैं बनाता हूँ अपने लिए चाय बढ़िया गर्मा गर्म। पानी डालते हैं पहले, चाय बन रहा है 2-3 लोगों के लिए। चाय उबल गई है हमारी, दोस्तों ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। और आज ब्रेकफास्ट में है शिमला मिर्च की सब्जी, चाय और रोटी, और दही भी है, पर चाय के साथ हम दही नहीं खाते हैं इसलिए चाय पीते हैं भाई, पहाड़ी लोग हैं ना, चाय पीते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूँ उसके बाद। अभी तो बारिश हो रही है बाहर, पर फिर से मुझे मार्केट जाना है, कुछ सामान वामान लेना है, अपने परसों में कुछ सामान भूल गया था, वो लाया नहीं, तो मुझे कुछ सामान लेना है अभी, तो अभी पहले ब्रेकफास्ट करता हूँ, तब बारिश रुकने का वेट करते हैं, रुकेगा तब जाएंगे मार्केट फिर से। और दोस्तों बाहर दिखाते हैं आपको, बहुत तेज़ बारिश हो गई, अब मार्केट भी नहीं जा सकते, बाहर देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है भाई, बारिश बहुत तेज़ हो गई।
मार्केट जाना था, मार्केट भी अब नहीं जा पाएंगे इस बारिश में, बारिश बंद होगी तभी जा पाएंगे। बारिश का मौसम भी हो रहा था बढ़िया, आज तो पकौड़ी खाने का मन कर रहा था, पर क्या करें, मेरी चाची का है व्रत, तो मुझे लग रहा है कि अब हम भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बनाएगी तो चाची, चाची खुद नहीं खाएगी तो बनाएगी क्यों, इसलिए आज मुझे लग रहा है कि कैंसल हो गया हमारा खाना। गलत ही तो है, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है भाई। और दोस्तों यहाँ पर योगिता कर रही है पढ़ाई, क्योंकि उसके कुछ दिनों में पेपर होने वाले हैं, तो वो कर रही है यूट्यूब से कर रही है पढ़ाई, यूट्यूब पता नहीं, फ़ोन में इंस्टाग्राम चला रही होगी, पढ़ाई कर रही होगी कुछ पता नहीं है। और देखो बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत महीनों बाद हो रही इतनी तेज़ बारिश, मतलब बारिश तो होती थी पर हल्की फुल्की होती थी, पर आज तो बहुत तेज़ हो रही भाई, एक घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और दोस्तों किट्टू कम्मू और आरुषि की भी छुट्टी हो गई आज जल्दी, हाय करो जरा, हाय आरुषि, आज इनकी सैटरडे को जल्दी हो जाती है छुट्टी। हमारे भैया आरुषि को मिल गए, जो है अभी भैया वो बस सोते रहते हैं और कुछ काम नहीं है उनका। के हैं आरुषि के घर पे उसे छोड़ने, ये देखो ये भुल्ली कम्मू जल्दी आ, ये देखो हमारी भुल्ली इधर है छोटी सी, इधर ला, ये है प्यारी सी भुल्ली हमारी, बंदर बंदर आ रही घूमने, चले घर चलो, चले आरसी ले जाए बुल्ली को, ले जाए हमें, ले जाए बुल्ली को ले जाए, बाय। दोस्तों अभी हो रहा मस्त मौसम है, ये देखो तुम, अभी जब मैं स्कूल से लेने गया था स्कूल में उस समय तो बंद हो गई थी, पर जैसे ही घर पहुंचे फिर से बारिश शुरू हो गई। और दोस्तों थोड़ी देर पहले मैं कम्मू किट्टू को लेके आ गया था स्कूल से, और दोस्तों देखो फिर से बारिश शुरू हो गई यहाँ आज तो, मतलब जब मैं स्कूल लेने गया था ठीक हुआ उसी समय बारिश रुक गई, पर अब फिर से बारिश शुरू हो गई भाई आज तो, कुछ मतलब लग रहा है कि सारे दिन भर बारिश ही होगी काशीपुर में, मतलब दिखाता हूँ आपको फिर। और दोस्तों अभी करते हैं ब्रेकफास्ट, अरे हाँ सॉरी अरे भूल गया था, अभी करते हैं हम लंच। और दोस्तों आज मेरी चाची ने थोड़ा लंच जल्दी बना लिया था, क्योंकि कम्मू किट्टू की भी छुट्टी आज जल्दी हो गई थी और बारिश का मौसम भी हो रहा था, जल्दी बना दिया था। ठीक है दोस्तों फिर करते हैं अभी लंच, देखते हैं लंच में क्या बन रखा आज, फिर मिलते हैं आपको थोड़े देर में या बाद में मिलेंगे। अभी लंच वगैरह भी आ गया, अब टेबल में सज चुका है हमारा लंच, और योगिता और कृतिका भी आ चुके हैं। और दोस्तों अब आज बन रखा है खाने में मसूर की दाल और भात, और किट्टू ने तो खा लिया है खाना, और चाची, और चाची का तो आज व्रत है इसलिए वो भी हमारी इधर भजन, देख इधर वो भी भजन पढ़ रही हैं, भजन पढ़ रही हैं, आजकल मतलब सावन का महीना चल रहा है तो आजकल इनके भजन कीर्तन हो रहे हैं लगातार, ये रोज ही भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों फिर करते हैं लंच, तब उसके बाद मिलता हूँ लंच करने के बाद। यहाँ पे हमारे अचार के दो डिब्बे भी हैं, कुछ चमक रहे हैं देखो, मुझे लग रहा है ना ऐसे हैं ये, इसमें है मिर्च का, उसमें है आम का, पूरा ख़त्म कर दिया हमने, लास्ट है भाई दी एंड, और पर मस्त अचार बना था ना, कैसा बना था तुमको अचार, चलो ठीक है दोस्तों फिर पहले करते हैं लंच उसके बाद मिलता हूँ। हाँ मेरी चाची अब अपना यूट्यूब चैनल खोलने वाली है, तो उसमें वो अब उसमें वो कुकिंग करेंगी, कुकिंग अच्छे अच्छे खाना बनाएंगी, आपको भेजेंगी वीडियो,
आप भी ट्राई करना और आप देखना। ठीक है दोस्तों, पहले करते हैं यार, भूख लग रही है, उसके बाद करते हैं आपसे बातचीत वगैरह। अब गुंडा उन कह पे क्या बोल, कुछ खाना खा ले। तो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं लंच और हमारी दाल कौन सी बनी थी? मसूर। अच्छा यहाँ पे मसूर की दाल और भात बना है और हम खा रहे हैं, बहुत मस्त है। और दोस्तों लंच करने के बाद थोड़ा आराम आराम के सो गए थे और अभी उठे हैं, अभी शाम के बज रहे हैं 5, तब देखते हैं अभी चलते हैं इवनिंग वॉक पे या देखते हैं खेलने जाते हैं या घूमने जाते हैं, चलते हैं अभी घूमने चलता हूँ क्योंकि मौसम बढ़िया हो रखा है, बारिश भी रुक चुकी है, सुबह से तो लगातार बारिश हो रही थी पर अब बारिश बंद हो चुकी है, तो चलते हैं अभी घूमने पे, दिखाता हूँ आपको बाहर का मौसम। और दोस्तों मैं शाम को चले गया था इवनिंग वॉक पे, तो मैंने वीडियो ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि मोबाइल मैंने घर पे चार्ज पर लगा दिया था, और अभी योगिता बना रही है खाना और कम्मू किट्टू कर रहे हैं यहाँ पे पढ़ाई, ये कम्मू एक किट्टू है उधर कम्मू पढ़ रही है और चाची अभी भी सुन रही है भागवत या पता नहीं कुछ भजन वगैरह सुन रही है क्योंकि आज चाची का व्रत था, तो आज चाची ने अपना व्रत तो तोड़ दिया है, शनिवार का व्रत रखते हैं चाची जी। ठीक है दोस्तों, फिर मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मेरे चैनल में नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि जो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सीधे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक ऐसी प्यारे से और अच्छे ब्लॉग के साथ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें।